हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। वरुण बेवरेजेस स्टॉक के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार लग चुके हैं और साथ ही साथ स्टॉक ने बोनस भी दिया है, और ये जो बोनस का फ़ायदा जो लोग उठाना चाहते हैं वो रिकॉर्ड डेट से पहले इसके अंदर इन्वेस्ट करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो इसके अंदर काफ़ी अपना प्रॉफिट कमाने के लिए और फ्यूचर प्लान्स के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं इस वीडियो में बता दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बोनस के बारे में देख लेते हैं। तो बोनस यहाँ पर देते हुए देखने को मिल रही है 1:2 का, यानी कि दो शेयर के बदले आपको एक शेयर यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जो कि इनकी मीटिंग आज हेल्ड हुई थी 3 मई 2021, और यहाँ पर बोनस इश्यू हो चुका है जो कि 10 रुपीज़ ईच फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ सब्जेक्ट टू द अप्रूवल शेयर होल्डर्स थ्रू द पोस्टल बैलेट इन द कंप्लाइंस विद द एप्लीकेबल्स लॉ। तो इसको अप्रूवल भी मिलते हुए हमें देखने को मिल रहा है इस बोनस को। जहाँ तक कि इसके रिजल्ट्स की बात करना चाहूँगी मैं, तो इसके क्वार्टर वर्क के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं वो कितने देखने को मिल रहे थे, 162.50% के। उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है हर लेवल पर, लेकिन आप जिस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं क्वार्टर टू से आप देख सकते हैं क्वार्टर 3 क्वार्टर 4, तो यहाँ तक अब तक का इसका हाई हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है 54.67% का। तो इसके रिजल्ट्स में ये अपनी इजाफा करते हुए देखने को मिल रहा है और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा होते हुए देखने को मिल रहा है। आप रिजल्ट्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि वरुण बेवरेज क्वार्टर वन नेट प्रॉफिट जंप्स टू 136.75 करोड़ रुपीज़ से ये जंप होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसमें और एक बात बताना चाहूँगी, जो कि इसके पेप्सिकोज लार्जेस्ट फ्रेंचाइजीज बॉटलर जो इसने फ्रेंचाइजी ली थी, ऑन मंडे रिपोर्टेड मोर देन 2-fold जंप इन नेट प्रॉफिट में, उसकी वजह से डबल जंप होते हुए देखने को मिल रही है 136.75 करोड़ रुपीज़ की। और फर्स्ट क्वार्टर एंडेड मार्च में देखा जाए तो हेल्प बाय वॉल्यूम ग्रोथ अक्रॉस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, तो इसका इम्पैक्ट हमें डोमेस्टिक और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट पे भी पड़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही खास बात देखने को मिल रही है इसके अंदर। जहाँ तक कि इसके हम पैट की बात करें, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स, तो वह हमें देखने को मिल रहा है ड्राइवन बाय हायर रेवेन्यूज, इंप्रूवमेंट इन मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट होते हुए देखने को मिल रहा है, और हायर प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑपरेशन। तो इंटरनेशनल ऑपरेशन की तरफ से इन्हें हायर जो प्रॉफिटेबिलिटी मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप इसका मैक्सिमम यानी कि 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, और स्टॉक की लिस्टिंग भी हमें 2060 को होते हुए देखने को मिल रही है। तो 2060 से लेकर 2021 तक आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, वो 700+ पैसे का हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग रिटर्न इसका 250% का हमें देखने को मिल रहा है। तो रिटर्न वाइज भी ये स्टॉक अपने रिटर्न भी बढ़ाते हुए हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ट्रेड की बात कर लेते हैं, तो फाइनेंशियल ट्रेड में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ है ये पॉइंट में होते हुए देखने को मिल रही है। इस लेवल पर हमें अच्छी देखने को मिली, वापस से इसमें थोड़ी कमतरता आते हुए देखने को मिल रही है। वहीं इसके रेवेन्यू में भी वैसी सेम सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ये सिचुएशन जल्दी बदल जाएगी ऐसे यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अदरवाइज इसके कंपेरिजन किया जाए तो ये स्टॉक हमें 6 लेवल पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है वरुण बेवरेज। फंडामेंटली स्टॉक के बारे में बात कीजिए, अब इसके ऊपर से मैं बताऊंगी कि अभी इस लेवल पर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, या सिर्फ आप बोनस का फ़ायदा उठाने के लिए इसमें इन्वेस्ट कर फंस मत जाना। प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं आप इसकी 3.88% की देखने को मिल रही है, तो प्रॉफिट ग्रोथ इतनी यानी कि कुछ भी नहीं है इसकी प्रॉफिट ग्रोथ। नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर बताना चाहूँगी, सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं आप नेगेटिव भरी देखने को मिल रही है 13.16% की, लेकिन जहाँ तक कि प्रमोटर की होल्डिंग की बात आती है तो मोर देन 50% की इनकी होल्डिंग देखने को मिलती है। डिविडेंड यील्ड वाइज भी स्टॉक 0.25% का देखने को मिलता है, और एक बात यहाँ पर डेप्ट आपको देखने को मिलेगा कंपनी पर 3051.54 करोड़ रुपीज़ का इसके ऊपर डेब्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे 127.97 का, यानी कि बहुत ही हाई वैल्यू पे अभी फिलहाल ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ बोनस मिल रहा है इसमें आप इसके अंदर निवेश कर ना बैठे, क्योंकि ये बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर फिलहाल ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके ये 52 वीक हाई के करीब स्टॉक हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हैं 66.4% की, और फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग आप देख सकते हैं पब्लिक से भी
कई जाना गुना की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है 20.28% की। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात की जाए तो 5.9% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो बात थी आपको बताना जरूरी थी, क्योंकि बोनस के लालच में आकर इसमें निवेश कर ना बैठे। सो थैंक यू सो मच।